अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है स्केलेटन। जो आज हमने स्केलेटन डिस्कस करना है उसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। बेसिकली स्केलेटन कहते हैं हार्ट और रिजिड फ्रेमवर्क को, हार्ट और रिजिड फ्रेमवर्क को जो आपको नज़र आता है किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर, जिसके डिफरेंट काम होते हैं। मतलब कि कोई भी जानदार उसकी बॉडी के अंदर जो पाया जाता है हार्ट और रिजिड फ्रेमवर्क, हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड स्केलेटन। अब इसका डिफरेंट रोल है, इसके डिफरेंट रोल है। अगर इसका पहला रोल देखा जाए तो ये प्रोवाइड करता प्रोटेक्शन। मतलब कोई भी जानदार है उसके पास जो स्केलेटन है उसका काम होगा प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन के साथ साथ सपोर्ट भी देना, और सपोर्ट के साथ साथ उसकी शेप को भी बनाना। तो शेप बनाना, सपोर्ट देना और प्रोटेक्शन देना, ये मेजर रोल होता है किसी भी स्केलेटन का जो किसी भी जानदार के अंदर मौजूद होता है। कंपोजिशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई भी जो स्केलेटन है, कोई भी स्केलेटन, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक या फिर हो सकता है ऑर्गेनिक, या फिर वो हो सकता है इनऑर्गेनिक, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। तो कोई भी स्केलेटन अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या दोनों चीजों से मिलकर बनता है, उसको हम नाम देते हैं वो स्केलेटन है। अगर यूनिसेलुलर में देखा तो उसमें एक सेल के लिहाज से होगा, और अगर मल्टी सेल में देखो उसमें ज्यादा सेल के लिहाज से बना होगा, जिसका नाम क्या पड़ा, वो स्केलेटन है। सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है उसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, तो सबसे पहला जो स्केलेटन है उसको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का नाम देते हैं। अब जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, जैसे आपको पहले ही पता लग गया कि वर्ड सबसे पहला जो आया है उसका नाम है हाइड्रो, तो हाइड्रो का लफ्ज़ी मतलब क्या होगा, वाटर। तो पानी के लिहाज जो होगा उसको नाम दे देते हैं, देयर कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। मतलब अगर मैं कहता हूं द स्केलेटन, अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द स्केलेटन विच इज प्रोड्यूस बाय बॉडी, जो कोई भी बॉडी बनाएगी, कोई भी बॉडी बनाएगी, विच इज फ्लूइड फिल्ड, जो पानी से भरी होगा, जो कि स्केलेटन पानी से भरा होगा। मगर वो पानी कहाँ मौजूद होगा, विद इन गैस्ट्रोवास्क्यूलर कैविटी, जो उसके अंदर की कैविटी होगी, गैस्ट्रोवास्क्यूलर कैविटी। यही गैस्ट्रोवास्क्यूलर कैविटी को दूसरा भी नाम देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड सिलोम। तो सिलोम या खाली बॉडी कैविटी का जो पानी मौजूद होता है, उस वाटर की वजह से एक स्केलेटन का बनना, हम उसको नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। मतलब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एक स्केलेटन है जो बेसिकली पानी वाला स्केलेटन होता है। मतलब एक पानी है, फ्लूइड है, और वो फ्लूइड जो है वो एक स्केलेटन का रोल अदा कर रहा है, तो हम उसको पानी को नाम दे देंगे, दे आर कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। अब वो जो पानी होगा वो किसके अंदर होगा, वो सारा का सारा जो वाटर मौजूद होगा वो गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी के अंदर मौजूद होगा, तो ऐसे स्केलेटन को नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। अगर ये देखा जाए स्केलेटन है, ये आपको नजर आता है सॉफ्ट बॉडीज इन वर्टिब्रेट के पास। मतलब ये आपको नजर आता है, ये जहां मौजूद होता है, ये सारे के सारा जो स्केलेटन है ये सॉफ्ट बॉडी इन वर्टिब्रेट्स के पास होता है। तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स, इनके पास जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता जाऊं तो एक सॉफ्ट बॉडी जिसका नाम है अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म के पास कोई हार्ड स्केलेटन नहीं है, इसके बाद जो स्केलेटन उसका नाम क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इसमें अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल सी एनिमोन, तो जो सी एनिमोन है ये अगर देखा जाए इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, तो इसके पास जो स्केलेटन है वो कौन सा वाला है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। आके एंडोस्केलेटन जो कि आपको पता है बोन से मिलकर बना, कार्टिलेज का बना, वो वाला स्केलेटन नहीं होता, फ्लूइड का एक स्केलेटन होता है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। इस स्केलेटन का सबसे बड़ा जो रोल है, रोल अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट देता है इन जानदारों को, ये सपोर्ट देता है, और सपोर्ट के साथ साथ ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ये रेजिस्टेंस देता है टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, ये मसल्स जो इन जानदारों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इन मसल्स को जो रेजिस्टेंस देता है वो सारे के सारे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। तो इसके मेजर रोल दो हैं, एक सपोर्ट देना और दूसरा कौन सा है, रेजिस्टेंस देना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए। अब इसी तरह देखा जाए, जैसे मैंने दो एग्जाम्पल की बात की, हमारे पास दो एग्जाम्पल है जो मेजर इसकी एग्जाम्पल है। जैसे कि सबसे पहले जो एग्जाम्पल है उसका नाम क्या है, अर्थवॉर्म।
मुर्गा भी शुरू हो गया, मुर्गा भी ची बोली जा रहे। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है उसका नाम है अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म के साथ साथ जो दूसरी एग्जाम्पल है उसका नाम है सी एनीमोन। सी एनीमोन इसकी दूसरी एग्जाम्पल है। तो दो एग्जाम्पल है, एक का नाम है अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म के साथ साथ जो हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल आती है उसका नाम क्या है, सी एनी मोन है। जो अर्थवॉर्म इसकी सबसे बड़ी पहचान, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। दे हैव सेगमेंटेड बॉडी मतलब कि जिसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी, वो सेगमेंटेड बॉडी रखने वाला कौन है, अर्थवॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेगमेंटेड बॉडी है, ये एक सेगमेंट आ गया, ये दूसरा सेगमेंट आ गया, ये तीसरा सेगमेंट आ गया, ये सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं। इसी तरह जो एक सेगमेंट है दूसरे सेगमेंट से सेपरेट होता है एक वॉल के जरिए से, और इस वॉल को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्टा। दे आर कॉल्ड सेप्टा मतलब जो सेगमेंट को सेपरेट कर रहा है उस पार्ट को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्टा मतलब जो सेपरेट करता है, सेपरेट ऑफ, सेपरेट करने वाला, सेपरेट ऑफ कंपार्टमेंट। तो जो कंपार्टमेंट को या सेगमेंट को सेपरेट करता है हम उसको नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्टा। इसी सेप्टा के नीचे, इसी सेगमेंट के नीचे छोटे छोटे धागे होते हैं जो कि मूवमेंट में मदद देते हैं, और इनको नाम देते हैं, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिसके नीचे ये हेयर्स नजर आ रहे हैं इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड सिटाई। ये सिटाई होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिए, तो इनके पास सिटाई होते हैं, और हर सेगमेंट को सेपरेट करने वाला कौन होता है, बड़ा वो सेप्टा होता है। अगर मैं कहता हूँ ये मूव कैसे करता है, इसको सपोर्ट कैसे मिलती है, इसके अंदर कौन सा मौजूद होता है, कौन सा स्केलेटन मौजूद होता है, तो सबसे पहले देखा जाए ये अंदर वाला जो कैविटी है इस कैविटी को कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सिलोमिक कैविटी कहेंगे। इसके अंदर वाटर होता है, और ये जो वाटर वाला स्केलेटन है मैंने आपको बता दिया ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, ये वाटर वाला स्केलेटन है। अगर मैं इसके एक सेगमेंट को बड़ा करता हूं, एक सेगमेंट को, तो ये इसका एक सेगमेंट है। अब इस एक सेगमेंट में दो तरह के मसल्स होते हैं, एक मसल्स ये है और एक मसल ये है। जो ये मसल्स हैं इस मसल्स को कहते हैं, ये है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। और जो दूसरा वाला मसल है ये वाला, इसको कहते हैं ये सर्कुलर मसल है, ये सर्कुलर मसल है। तो दो तरह के मसल आ गए, एक सर्कुलर मसल आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। अच्छा जो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से ये जो सेगमेंट है ये शॉर्ट हो जाता है, ये इस तरह हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ये इस तरह हो जाता है इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से, जिसका नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अगर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो सेगमेंट है ये इस तरह से इलोंगेट हो जाता है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट देन सेगमेंट, जो सेगमेंट होगा देन सेगमेंट बिकम शॉर्ट, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट देन सेगमेंट बिकम इलोंगेट, क्या हो जाएगा, ये इलोंगेट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। जब ये दोनों इकट्ठे काम करें, शॉर्ट और इलोंगेट जब होंगे तो एक वेव प्रोड्यूस होगी, और वो अल्टरनेटिव वेव्स होगी, इलोंगेशन और शॉर्ट, इलोंगेशन और शॉर्ट, इलोंगेशन शॉर्ट, जिस वजह से अर्थवॉर्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। मतलब अगर मैं कहता हूं द अल्टरनेट वेव्स, क्या कहूंगा, द अल्टरनेट, एक अल्टरनेट वेव प्रोड्यूस होगी, द अल्टरनेट वेव इज प्रोड्यूस्ड कैसे, बाय इलोंगेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी इलोंगेशन, कैसे की कॉन्ट्रैक्शन, ये ऑफ सेगमेंट्स। इस वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक ही काम होगा, हेल्प इन मूवमेंट। मतलब इसकी वजह से क्या काम होगा, हेल्प इन मूवमेंट। इस वजह से एक ही बड़ा काम होगा, और ये इलोंगेशन और शॉर्ट होने की वजह से ये इलोंगेशन में मदद देंगे। जरा सा मैं इसको ऊपर कर लूं। अब सीएमओ का सबसे बड़ा काम एक ही होगा, ये माउथ को सबसे पहले ओपन करेगा, अपने मुंह को खोलेगा।
जब माउथ को ओपन कर लेगा तो ये सारा का सारा पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जो समुद्र का पानी है। तो ये क्या करेगा, फ्लूइड को फिल कर लेगा, भर लेगा, फ्लूइड फिल विद बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी को सारा का सारा पानी से भर लेगा। जब पानी सारा बॉडी के अंदर आ जाएगा तो इसका काम एक ही होगा, माउथ को क्लोज कर लेगा, माउथ को क्लोज कर लेगा। अब क्लोज करने के बाद इसका एक ही बड़ा काम होगा, और वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने मसल्स को, कॉन्ट्रैक्ट देयर सर्कुलर मसल, ये अपने सर्कुलर मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पानी जो इसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, अब मसल कॉन्ट्रैक्ट है, पानी को प्रेशर पड़ेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, लंबा होकर एक जगह पे धस जाएगा। तो एक जगह पे स्ट्रेट रहने के लिए ये अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पानी प्रेशर लगाता है और ये अपनी एक जगह पर ये ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट दिया सर्कुलर मसल्स, देन पुट प्रेशर ऑन बॉडी फ्लूइड। जब बॉडी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर पुट करेगा तो पुट करने से क्या होगा, मेंटेन देयर, मेंटेन हो जाएगा, मेंटेन देयर एक ही काम होगा, अपराइट स्ट्रेचर, अपराइट स्ट्रेचर। तो जो अपराइट स्ट्रेचर है, इसको करने के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड रखने के लिए ये अपनी बॉडी कैविटी के अंदर पानी को भरता है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस वजह से ये अपनी जगह पे ऐसे खड़ा रहता है, जितना मर्जी प्रेशर लगा रही है अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो अपराइट स्ट्रेचर रखने के लिए अपने आप को ये सारा का सारा ये फिनोमिना करता है, जो कि सी एनीमोन है और ये अर्थवर्म है, ये है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन।